ओके सो राइट नाउ आई एम इन काजा एंड जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग पे बताया था कि हम लोग जा रहे हैं धनकर मोनेस्ट्री। सो बिफोर आई गो टू धनकर मोनेस्ट्री ये ब्रेक पैड्स चेंज करने पड़ेंगे बाइक के, बिकॉज बाइक का ब्रेक पैड ख़त्म हो चुका है। एंड कोई तो यहाँ पे ये ग्राफिक पेंटिंग करके चला गया, मतलब यहाँ पे पानी था उछल के चला गया। एंड दिस इज़ द कंडीशन, पूरा एकदम मिट्टी विट्टी होकर रखा है। एंड अभी ब्रेक पैड्स ख़त्म हो चुके हैं, सो ब्रेक पैड भी चेंज करने हैं। To leave Kaza and go towards Dhankar Monastery and the lake also. Oh, rear brake सही काम कर रहे अब. Fuel pump of Kaza. इसके बाद आपको कोई और fuel pump नहीं मिलता है, इसलिए इस fuel pump में जब भी आओ it's always rush. हमेशा ये मतलब पूरा भरा हुआ रहता है। हमने एक Renfield का मुस्टैच बोल के कोई स्टे भी है, and along with that they also do the servicing for the Royal Enfield, so we are gonna go and check Prabhu over there. So Prabhu ne jo hai apna jo Royal Enfield hai classic Electra hai wo usne de diya hai, and now we are heading towards the Dhankar Monastery. Kya beautiful terrain hai, matlab aisa lagta hai ki pahar ko matlab ek alag hi tarike se paint kiya gaya ho nature ke sath. Just look at the view, and it's raining also. दो तीन बूंदाबांदी गिर भी रहे हैं। So from Kaza to know Dhankar Monastery, it's around 22 to 24 kilometers. अभी ये जो अथ्रो लिखा हुआ है इस यहाँ पर एक ब्रिज आएगा, ब्रिज के वहाँ पर जाकर ड्रोन उड़ाएंगे, एंड देन वहाँ से फिर जाएंगे धनकर मोनेस्ट्री, वहाँ पर भी ड्रोन उड़ाने का कोशिश करेंगे। सो वो जो ब्रिज आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, वहाँ से अगर आप राइट को जाते हो तो आप पहुँच जाओगे पिन पार्वती का ट्रैक और आपका ये मुद विलेज। बट टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग नॉट वर्थ, मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आया वहाँ पे। अगर आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा मुद विलेज का, आप जाके ज़रूर देख लेना, आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ वैसे नथिंग, ऐसे बेकार से रोड है, दैट्स इट और कुछ नहीं। सो अतरुगी बोल के जगह है ये पिन वैली। Look at the landscape, and now we are heading towards the river bed. बिल्कुल river bed पे आके उतर गए क्या? Okay, so finally we reached, and बस अभी Ravi is trying to fly his Mavic Air 2. He will be flying, and I will be having my flight time with my DJI Mavic 2 Pro, and we'll try to get this landscape in drone shot. So yes, in the count of 1, 2, 3, let's begin. 1, 2, 3. कैसा लगा आपको ड्रोन शॉट्स? ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं दिखाने के लिए, बट ये जितना हो सका उतना दिखाया। एंड नाउ लिविंग फॉर दिस धनकर मोनेस्ट्री, बहुत ही अजीबा किस्म का ये टेरेन है, एंड ये स्पीति का हाईएस्ट पॉइंट है, लाइक ये पहाड़ जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है। सो दिस इज़ द पॉइंट, जब आप आओगे तो यहाँ पे आएगा लालुंग धनकर। सो ये रोड आपको ले लेना है, एंड उस पहाड़ के ऊपर कहीं पे धनकर मोनेस्ट्री है।
ये स्पीति का हाईएस्ट पहाड़ है, ये वाला जो ऊपर है, काफ़ी ऊपर है यार ये तो। सो देयर इज अ बोर्ड, यहाँ पे आने के बाद आपको एक तीन रास्ता मिलेगा जो लालुंग को जाएगा, धनकर को जाएगा सीधा। वहाँ पे तो जम के बारिश या बर्फबारी हो रहा होगा क्योंकि मौसम अभी ख़राब होने लग चुका है आगे की तरफ। एंड धनकर का रास्ता ऐसा ही है, मतलब टूटा फूटा। साला इतना जोर से मारा। सो दैट इज धनकर मोनेस्ट्री। मुझे लगा खुद ना लेट जाए। ये देखना क्या गजब, यहाँ पे बाइक उठाना इज लाइक खतरों के खिलाड़ी टाइप्स। डन विद द मोनेस्ट्री। कैसा लगा आपको ड्रोन शॉट कमेंट करके बताना। आई नो ये व्लॉग थोड़ा सा यू नो अनसर्टेन सा है बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें नहीं हो पाए, बट या आई होप सो नेक्स्ट टाइम इफ आई कम डेफिनेटली आई एम गोना डू इट। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ठंड है, बोला भी नहीं जा रहा रंग से। मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग पे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग यू वॉन्ट टू डू एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स आपको ड्रोन शॉट्स कैसे लगे। Thank you so much. Bye-bye.